अगर आप इस तरह से सेटअप नहीं करते हैं तो आपका प्रिंटर ख़राब हो सकता है। तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज जो है बताने जा रहे हैं कि अगर आप कैनन का 30+ या कोई भी कैनन का सीरीज का जो है फर्स्ट सेटअप कर रहे हैं अपने प्रिंटर का, और अगर सही तरीके से आपने प्रिंटर को सेटअप नहीं किया तो इसके कारण आपका प्रिंटर बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है और आपको इसके चलते बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। तो सही तरीके से क्या तरीका है जिससे आप सही तरीका से जो सेटअप करेंगे तो आपका प्रिंटर का लॉन्ग लाइफ चलेगा, इस वीडियो में मैंने सेटअप करके फर्स्ट टाइम बताया है। तो उस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपकी जो प्रिंटर है उसकी लॉन्ग लाइफ भी चलेगी और सही तरीके से प्रिंट आउट भी आप कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए और इसमें बताए गए सारे चीज़ों के ध्यान से करेंगे और आपका प्रिंटर सही तरीके से प्रिंट भी करेगा और लॉन्ग लाइफ भी चलेगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उसके बाद सबसे पहले जो है स्टेप को उखाड़ दीजिएगा इसको, फिर यहाँ पे जो टेप है इसको भी निकाल दीजिए जिससे ये निकलता है। यहाँ पे एक टेप है इसको भी आप निकालेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे ऊपर के और इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए हेड के पास जो है यहाँ लॉक लगा रहता है तो इस लॉक को भी हटाना जरूरी है। यहाँ से टेप को पहले हटा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टेप को यहाँ से हटाइए, ये वाला जो है आपको बाहर निकल के चलाएगा। उसके बाद इस तरह से आपका प्रिंटर रेडी हो गया। इसके अंदर आपको जो है क्या करना है, डालना है सबसे पहले आपको हेड, हेड निकालते हैं। तो हेड हमारा रहा इधर, ये हमारा हेड है, इस हेड को इसमें डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको रख लीजिए और इसको यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पुश वाला बटन है, इसको धर के इसको ऊपर की ओर ले जाना है आपको, इसे उठाना है, ये खुल जाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे खुल जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे पहले देखना है कि कौन सा ब्लैक वाला है कौन सा कलर वाला है। तो यहाँ देखिए B4 ब्लैक यहाँ पे और यहाँ पे जो है C4 आपका जो है कलर हो गया। तो इसमें भी खोज लीजिए, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो है क्या लिखा हुआ देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ कलर लिखा हुआ है, तो कलर वाला कलर में जाएगा और ब्लैक वाला ब्लैक में। तो सबसे पहले कलर वाला को डालने के लिए इसको ओपन करिए और बहुत सावधानी से करिएगा। उसके बाद इसको ऐसे करना है, यहाँ पे जो है लगा रहेगा हेड के पास, इसको पहले उखाड़ लेना है, ऐसा ही नहीं डाल देना है। उखाड़ने के बाद इसको जो है क्या करना है, इसके अंदर इंजेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको अंदर डालना है, इस पर हाथ उठ ना जाए ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो है इसको उखाड़ना है, इस स्टिकर को भी उखाड़ देना है आपको ऐसे। उखाड़ देने के बाद इसको हटा दीजिए और उसके बाद फिर क्या करना है, इसके अंदर देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है इस तरह से अंदर की ओर डालेंगे ऐसे और ये आराम से बैठ जाएगा इसके अंदर जाकर, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला को भी उठाइए और ये हम मिला लेंगे एक बार। यहाँ पे C4 कलर, B4 ब्लैक, B4 ब्लैक मिल जाने के बाद इसको क्या करना है, इसके अंदर इसे पुश कर देना है, ठीक है। पुश करने के बाद यहाँ देखिए ये जो जो स्प्रिंग की तरह खड़ी है इसको भी आपको पुश कर देना है, एक करके इसको भी पुश कर देना है, इसको भी पुश कर देना है, क्लियर है। अब इतना करने के बाद आपके पास अब इंक भरना है इसके अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर इंक डालेंगे। तो हम इंक डाल देते हैं, तो ये हमारा जो इंक है वो इसमें एक करके हम लोग को इंक डालना है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी देख लीजिए इसमें क्या डालना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए कलर में जो है ये ब्लू कलर हो गया, ये जो है मैजेंटा कलर, ये येलो कलर हो गया और यहाँ पे ब्लैक कलर का डालना है। तो सब लिखा हुआ है, तो जो बड़ा वाला है वो ब्लैक कलर है, ये वाला जो है बड़ा वाला ब्लैक कलर है, तो इसको ब्लैक कलर इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसको खोलना है और आज कुछ नहीं करना, आसानी से इसमें अंदर डाल देना है। अब ये कलर को हमको डालना है इसमें, तो इस ढक्कन को उठा लीजिए और इसको बंद कर लीजिए और एक एक करके खोल दीजिए इसको, ठीक है। खोलने के बाद इसको कुछ
अब एक एक करके जो है इसके अंदर डालेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब इधर आ जाइए, जो पाइपलाइन है इसमें से जो है हमारा कलर चढ़ाना है, यही सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो इसके बाद हमको करना क्या है, तो इसमें लाइन देना होगा। इसके लिए आपको इसके अंदर जो है पावर केबल को इंसर्ट कर देना, तो इसके अंदर पावर केबल आप दे देंगे। अब इसके बाद ये पावर केबल होने के बाद इसको इस तरह से रख दीजिए। यहाँ से क्या करना है कि अब इसको ऑन करते हैं, तो ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये इस तरह से जो है इसके अंदर जो है घूमेगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर इस तरह से जो है होते हुए दिखाई देगा, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से आपको देखने के लिए फिर अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या है कि इसमें जो है आपको अपना जो है कलर डालना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कलर है नहीं, और प्रिंट मारेंगे तो कलर चढ़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको देखने के लिए जीरो मिल रहा है, और यहाँ पे ड्रॉप का निशान मिला हुआ है, और अंदर इंक चढ़ा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये यहाँ पे कलर है और यहाँ ब्लैक है, तो सबसे पहले ब्लैक वाले पे क्लिक करना है। जब ब्लैक वाले क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोटेशन चालू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इस तरह से रोटेशन के साथ अगर अंदर बात करें तो अंदर आइए, देखिए अंदर इस तरह से आवाज़ शुरू हो जाएगा अंदर, और यहाँ से देखिए इंक जो है चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देख पा रहे हो इंक चढ़ रहा है, अब इस तरह से धीरे धीरे सब इंक जो है चढ़ना शुरू हो गया है, और कलर बाई कलर उसको करके चढ़ जाएगा इसके ऊपर। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका कलर हमेशा जो है सेम सेम उसी तरह से रहना चाहिए। ये देखिए अभी आधा चढ़ा हुआ है, ये धीरे धीरे करके वो पूरा को पूरा चढ़ेगा। तो एक एक करके हम लोग जो है इसमें चढ़ना शुरू होगा। ये देखिए इस तरह से ये प्रोसेस गोल गोल घूमते रहेगा, जब ये ख़त्म हो जाए तो समझिए कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो आप इंतज़ार करेंगे थोड़ा, और जब इस तरह से आपका वन लिखा जाए तो समझिए आपका प्रिंटर जो है पूर्ण रूप से रेडी हो चुका है प्रिंट के लिए। अगर इसमें आपको वाईफाई ऑन करना है तो ये वाईफाई वाला बटन पर क्लिक करेंगे, और डायरेक्ट मोबाइल से निकालना है केबल के थ्रू कनेक्ट करके, तो डायरेक्ट मोबाइल से निकालने के लिए ये वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप कनेक्ट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ोटो कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लें हमें सीडी है, इसी का हम फोटो कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले इसको अंदर अच्छा से इंसर्ट कर दीजिए। इस पेपर को हम इसके अंदर डालते हैं, पेपर को बीच में जो है दोनों तरफ से करके और इस तरह सही कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चाहिए तो कलर, ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड, तो हम ब्लैक एंड वाइट ही निकाल के और देखते हैं। यहाँ से जो है इस तरह से ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, ये देखिए अभी हमारा पेपर जो है इसके अंदर चला गया, और यहाँ से हमारा पेपर बाहर आएगा। अब देखते हैं कि कैसा प्रिंट, और फाइनली हमारा जो है प्रिंट हुआ है जस्ट एकदम सीडी के तरह ही। और इसको जो देखिए अगर हम बात करें दोनों को मिला देते हैं तो ये देखिए कैसा दिख रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर। तो इस तरह से प्रिंटर को आप पूर्ण तरह से जो है सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में कैनन का, अगर आपके पास प्रिंटर है तो। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।